स्टूडेंट्स, हम आज अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। नए राजा और नए राज्य की बात करेंगे हम। हमने आपसे दो मैप बनाने का कार्य दिया था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो इनको देख के आप आराम से बना सकते हैं अभी। मैनी न्यू डायनेसिटीज़ एमर्ज आफ्टर द 17th सेंचुरी। मैप वन शो द मेजर रूलिंग डायनेसिटी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। जिस प्रकार से जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद 7वीं शताब्दी के बाद नए नए जो राजवंश थे, नई नई डेंसिटीज़ थी, वो हमारी जो देखने को मिली थी। मैप नंबर वन जो शो करवाया था आपको, पहली बार जो दिया गया था, ये जो दिखाई गई है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय दिखाया गया, जिसमें अलग अलग जो राजा थे, जिन अपना अलग अलग से साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया हुआ था। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं एमरजेंस ऑफ द न्यू डेंसिटीज़। जो नए साम्राज्य थे, जो नए राजवंश हैं, तो उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, वो किस प्रकार से है। बाय द 7th सेंचुरी देर वर अ बिग लैंड लॉर्ड्स और द वॉरियर चीफ्स इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7वीं शताब्दी के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर, ठीक है, हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, इसके साथ साथ जो है अलग से योद्धा थे, और ये जो हमारे उपमहाद्वीप के अंदर देखने को मिले थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नोलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत। और जो है उस समय क्या, जो किंग होते थे तो क्या करते थे, इन वॉरियर चीफ्स को या फिर लैंड लॉर्ड्स को क्या करते थे, वो अपना सबऑर्डिनेट रखते थे, या इनको सामंत भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब है इनके नीचे कार्य करने वाले, अधीनस्थ कह सकते हैं या मातहत कह देते हैं इनको, यानी इनके नीचे काम करते थे, और एक सामंत भी बोला जाता था इनको। देवर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और ये सामंत क्या आते थे, ये क्या करते थे, उनको जो राजास थे उनके लिए क्या गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे उनके कोर्ट में जब वो जाते थे, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री के लिए जो सेना थी, वो सेना मुहैया करवाने का काम भी किया इन सामंत के द्वारा, सामंतों द्वारा किया जाता था। एज ए सामंत गेंट पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देम सेल्फ टू द महासामंत महामंडलेश्वरम द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और अ रीजन एंड सो ऑन। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। उसके बाद है, कई बार ये जो सामंत थे इतने शक्तिशाली हो जाते थे, क्योंकि इनको जो है वहाँ उस रीजन्स के अंदर क्या है, जो टैक्स कलेक्ट करने का एक ज़रिया दे दिया जाता था, इसलिए ये जो वेल्थी होते थे, और साथ ही साथ मिलिट्री रखने का, इनको मिलिट्री जो मुहैया करवाते थे राजा के लिए, तो ये शक्तिशाली भी थे और इनके पास सेना भी होते थे, इसलिए अपने आप को ही वहाँ का राज्य घोषित कर लेते थे। वो कह देते थे अपने आप को महा, ये संज्ञा दे लेते थे महासामंत या महामंडलेश्वरम की संज्ञा, यानी कि जो ग्रेट लॉर्ड हो गया, बड़ा महान एक भगवान जो उस क्षेत्र का या उस सर्कल का कह सकते हैं आप, और अपने आप को वहाँ का खुद वहाँ का जो ओवरलॉर्ड कह सकते थे, यानी कि वो अपने आप को राजा वहाँ का घोषित कर देते थे भी। वन सच इंस्टेंसेस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डक्कन। इनिशियली देवर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यज ऑफ द कर्नाटक। एक एग्जाम्पल यहाँ पर राष्ट्रकूट का हम देखने को मिलेगा दक्कन के अंदर, वो क्या है, प्रारंभ में किसके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, जो चालुक्य साम्राज्य था उनके राजा थे, उनके नीचे ये जो उनका काम करते थे। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू इज चालुक्यज ओवरलोड एंड परफॉर्म रिटवेल्स कोल्ड हिरणगर्भ लिटरेरी द गोल्डन वॉम्स। When this ritual was performed with the help of the Brahmanas, it was thought to lead the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if was not won by the birth. उसके बाद है कि भी इसमें बोला जाता है, जो दंतीदुर्ग था, एक राष्ट्रकूट जो चीफ था, उसने चालुक्याज का था, जो सबऑर्डिनेट थे चालुक्याज के, उनकी जो गद्दी को ओवरलोड, मतलब उनको उसकी गद्दी से उनको उठा के फेंक दिया था, ठीक है, और उनको जो कब्जा करने के बाद वहाँ के अपने आप को क्या, एक वहाँ पर एक यज्ञ करवाया गया था, उस यज्ञ का नाम है हिरणगर्भ बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ, ठीक है। इसी वजह से क्या, रिटुअल्स जो है ब्राह्मणों की मदद से करवाया जाता था। इसमें ये माना जाता है कि जो भी सेक्रीफायर्स है, यानी कि योजक बोला जाता है, या जो जो ये यज्ञ करवाने वाला होता है, अगर वो जन्म से क्या है, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, तो उसका जो मतलब क्या है, वो रिबरित हो जाएगा उसका। अब वो दोबारा से किस में कैटेगरी में आएगा, क्षत्रिय कैटेगरी के अंदर आएगा अभी, ठीक है, यानी कि वो उसका जन्म दोबारा से हो जाएगा और वो क्षत्रिय की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा अभी। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम द एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा
मयूरेश्वरम एंड द गुजरात गुर्जर प्रतिहार्स हरिचंद्रवर ब्राह्मणाज हु गेव देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू द आर्म सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम इन द कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद कुछ अलग से फैमिली रही हैं जिनके पास क्या कि मिलिट्री स्किल्स थी, और उन मिलिट्री स्किल्स के कारण क्या उन्होंने बड़े बड़े किंगडम अपने हासिल किए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कदम्बा है या फिर ये गुजर प्रतिभा या हरिश्चंद्र वगैरह हैं, जो ये क्या थे, ब्राह्मण थे, जिसने अपना जो ट्रेडिशन था यानी कि जो वो कार्य करते थे उस कार्य को छोड़कर कौन सा कार्य किया, वो क्षत्रिय का कार्य किया और वहाँ का जो किंगडम था अपना खुद का किंगडम सेटअप किया भाई। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम, जो साम्राज्य होते थे उसके अंदर क्या है, जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन किस प्रकार से था वो देखेंगे। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडोप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल सच एज महाराज, अधिराज, ए ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। जो ये नए जो किंग बन रहे थे, जो नए नए राजा बन रहे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल अपने आप को देते चले जा रहे थे। यानी कुछ लोग कुछ जो थे इन्होंने अपने आप को महाराज अधिराज बोला, जो ग्रेट किंग इसका मतलब होता है यानी कि ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी कि किंग्स का किंग आप कह सकते हैं। किसी ने अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती कहा, यानी कि तीनों जो वर्ल्ड का कहा, तीनों लोगों का स्वामी बोला, और इसके साथ और भी इसी प्रकार से नाम जुड़े हुए। हावर इन द स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, जो ये क्लेम दो देते थे, देवर ऑफन शेयर्ड पावर विद असमंथ एज वेल एज द एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट्स ट्रेडर एंड ब्राह्मणाज। जो ये टाइटल्स वो लेते थे तो वो उनके पास जो पावर होती थी, जो शक्ति थी, तो वो अपने जो सामंत रखते थे, उन वो भी सामंत रखते थे नीचे, तो उनके साथ वो अपनी सत्ता को बांट लेते थे, सत्ता को नहीं उनकी कह सकते हैं पावर को बांट लेते थे, या जो जो पीजेंट्स की एसोसिएशन होती थी, व्यापारियों की होती थी या ब्राह्मणों की होती थी। ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज पीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिशियन हु वर ऑफन पैरासिटेड और कंप्लीटेड टू द सराउंडेड पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस समटाइम दे वर क्लेम्ड एज अ रेंट टू द लॉर्ड हु असर्टेड दैट इज ओवन द लैंड रिवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। उसके बाद क्या कि जो प्रत्येक स्टेट की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होते थे, जो प्रोड्यूस करने वाले थे, जिसमें क्या पीजेंट्स हो सकते हैं, कैटल पीटर कीपर हो सकते हैं, आर्टिसन वगैरह होते हैं, तो उनसे क्या बदले में कुछ लिया जाता था। ठीक है, कई बार उनको बदले में लेने की वजह से भी उनको रेंट बोला जाता था कि भी जो आप उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का या फिर कोई और भी चीज़ है, भोजन वगैरह, तो उसके आपको उसके बदले में रेंट देना पड़ेगा अपने स्वामियों को। तो वो सारा का सारा जो कार्यकारी है या आप कह सकते हैं रेंट या फिर पैसा, उनसे वो लिया जाता था भी। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। दे वर आल्सो यूज टू द फाइट वार्स विच वर इंटरम एक्सेप्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू द लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट्स। उसके बाद है कि जो ये पैसा यहाँ से रेंट के तौर पर वो लिया जा रहा था, तो उसका पैसे का जो उपयोग क्या करते थे, जो राजा थे उनका, जो किंग थे उनका, जो उनकी जो फाइनेंस सिस्टम था उसको वो क्या मेंटेन करके रखते थे। यानी कि अगर हम बात करते हैं वहाँ पर टेंपल वगैरह बनाने, किले बनाने, उनके खुद के महल वगैरह बनाने हैं, तो उसमें वो पैसा उपयोग किया जाता था। तो वो क्या है, इसके साथ साथ इस पैसे का जो उपयोग है वो लड़ाई लड़ने के अंदर भी करते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भी जहाँ पर भी वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, जीतते थे, तो वहाँ पर लूटपाट भी करते थे, तो उस लूटपाट के जरिए से भी वहाँ पर वो पैसा वो क्या करते थे, एकत्रित करते थे। और इसके अलावा क्या है कि भी जो ट्रेड रूट्स होते थे वहाँ पर जो आने वाले जो लोग थे उनसे भी वो टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करते थे। दी फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जर्नली रिक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल एंड फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज इन द मैनी केसेस क्लोज रिलेटेड ऑफ द किंग्स हैड दीज पोजीशंस। उसके बाद जो फंक्शंस था कलेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट करने का, इसमें क्या था कि भी कुछ विशेष प्रकार के जो फैमिली ग्रुप्स होते थे वही उसमें उपयोग करते थे। यानी कि कोई जो राजा का सबसे कोई नज़दीक होता था उनको वो जिम्मा दे दिया जाता था कि भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका ही परिवार उसको टैक्स कलेक्ट करता हुआ वो चलता चला जाता था भाई। यानी कि हेरिडिटरी होता था, इसको वंशानुक्रम बोला जाता है कि एक के बाद एक के बाद एक, पहले बाप फिर उसके बाद बेटा फिर उसके बाद बेटा, तो हेरिडिटरी होती थी ये पोस्ट। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, आर्मी में भी इसी प्रकार की चीज़ें होती थी। कई जो केसेस में पाया जाता है कि जो ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो राजा होता था उसके जो सबसे रिलेटिव है, खास जो होते हैं, उन्हीं को ये जो चीज़ें उनको दी जाती थी भी। उसके बाद है प्रसिक्सटीज एंड लैंड ग्रांट्स।
यदि हम बात करते हैं आगे की तरफ, पर सिक्स इज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरेली ट्रूज, ठीक है। पर सिक्स इज क्या है कि भाई बहुत सारी डिटेल होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो सारे की सारी सत्य देखने को मिलेंगी। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिस्पाइट देमसेल्फ एज ए वायलेंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय द लर्न ब्राह्मणास हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद यदि हम बात करें जो प्रसिक्तियाँ थी, जब हमने बात की, ये कोई ज़रूरी नहीं कि भी ये आपको सत्य भी देखने को मिल सकती हैं, हो सकता है कुछ झूठ भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जो कोशिश की जाती थी, जो राजा होते थे वो अपने आप को दर्शाना चाहते थे, डिस्पाइट करना चाहते थे, जैसे कि शूरवीर हों जो जीतने वाले बहादुर हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते थे, ठीक है। और ये जो है कार्य जो है दिज वर कंपोज बाई, ये जो कार्य किया जाता था, ये जो स्किल्ड पर्सन थे यानी कि जो पढ़े लिखे हुए आप कह सकते ब्राह्मण थे, उनके द्वारा किया जाता था कोजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो कार्य करते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता था, प्रशासनिक कार्य में ये जो ब्राह्मण होते थे इनकी मदद करते थे। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणाद बाय ग्रांट ऑफ द लैंड्स दे इज रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स विच वर गिव्स टू दोज हु रिसीव द लैंड। उसके बाद जो राजा होता था जो ब्राह्मणों को क्या इसके बदले में जो है लैंड का ग्रांट दे देता था, यानी कि कोई एक क्षेत्र की वो क्या है उसको जो है ज़मीन दे दी जाती थी, जो उसके ऊपर खेती करते थे किसान, उसके बदले में जो ब्राह्मण उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे भाई, ठीक है। और ये जो प्रशिक्तियाँ थी ये रिकॉर्ड की जाती थी कॉपर प्लेट्स के ऊपर की बात कर सकते हैं, और विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, सॉरी ये नहीं है, दीज वर रिकॉर्डेड ब्राह्मण बाय द ग्रांट्स, जो ग्रांट्स दी जाती थी ना वो लिखी जाती थी रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स, और इनको क्या भी रिसीव करते थे जिसको ये दिए जाती थी। आगे है अनयूजली फॉर द 12th सेंचुरी वॉज ए लॉन्ग संस्कृत पोइम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर्स। अनयूजली जो 12वीं शताब्दी के अंदर क्या है कि भी एक संस्कृत की जो पोइम देखने को मिली है काफ़ी लंबी है, जिसमें जो है इतिहास के जो राजा थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर शासन किया उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ कम्पोज बाई एन ऑथर नेम्ड कल्याण, ये जो कल्याण के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज यूज अ वैराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग द इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्ली हिस्ट्रीज। उसके बाद जब इसने ये जो पोएम लिखी है तो उसने क्या बहुत सारे जो सोर्सेज उपयोग किए हैं, जिसमें हमारे इंस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट जो आई विटनेस थे उन्होंने अपनी आँखों से देखे थे उनके अकाउंट है, या फिर जो पहले का इतिहास था उसको पढ़ने के बाद ये लिखी थी भी टू राइट हिज अकाउंट। अनलाइक द राइटर्स ऑफ द प्रसिक्सिस ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। उसके बाद क्या कि भी प्रसिक्तियों के बावजूद, मतलब क्या दूसरी तरफ इसने क्या कि जो राजा थे रूलर्स थे उनकी पॉलिसीज को क्या किया था वो क्रिटिसाइज किया था, जो कि हमने बात की प्रसिक्तियाँ तो होती थी उसमें वो मोटे तौर पर क्या करते थे उसमें राजाओं की क्या बड़ाई उसमें की जाती थी भाई।